मेरा ख़्याल है दोनों तरफ से आग बराबर की लगी हुई है मेरे मैं कोई एम्बिशियस नहीं हूँ इलेक्शन में हार गया हूँ और मैंने उसको जब वहाँ था चिल्ले में तो मुझे पता लग गया था कि मैंने इलेक्शन में जेल में होना है तो लेकिन मेरी वहाँ से चिल्ले में इतनी ख़राब हो गई थी तो वो जो चौबीस पच्चीस दिन मैंने जेल में काटे वो मैं मुरगन गज़ाई खाता रहा ताकि दो चार किलो मेरा वज़न बढ़ जाए अच्छा वहाँ पर आपको मुर्गन गज़ाएँ मिलती रहीं देसी घी मिलता रहा सिगा, सिगा, सिगार भी, सिगार, भी, मिलती सिगार भी मिलता था वहाँ हाँ जी जी भर के वहाँ नहीं मिलता था चालीस दिन जो चिल्ले में एक सिगार नहीं मिला वहाँ का एक सिगार उन्होंने दिया और कहा कि अपनी जेब से ख़रीद के लाए हैं इस वीडियो पर ये बयान उस वक्त तो पहले उन्होंने वो बयान नहीं दिखाया जब मैंने आधा सिगार पी लिया चर्चल का रोमियो जूलेट का होगा इस वक्त दस एक हज़ार रुपए का आधा का शिकार पी दिया जब उन्होंने बयान रखा वो मैंने पढ़ा तो वो गंद का गंद ही था वो बयान रिकॉर्ड करने के लिए खरीद के लाए गए अपनी जेब से खरीद के लाए हैं अपनी जेब तो से खरीद के लाए जी और जब मैंने आधा पीने के बाद वो गंद गंदा देखा तो मैंने वो आधा वहीं फेंक दिया मैंने कहा जी मैं नहीं करता आप मुझे ले चले वापस फिर वो मुझे वहीं ले गए लेकिन आपकी हार की जो बड़ी वजूहत में से एक वजह तो चिन के लिए आपने ये चिल्ले काटे उन्होंने तो आपके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा कर दिया और बहुत बड़ा सियासी ठंड पड़ा आपको हालांकि आपको तो ये कहा जाता है कि यकीन दहानी भी कराई गई थी अली अमीन गंडापुर व दीगर की जानब से कि आपको कोई टिकट दिया जाएगा कोई गंडापुर साहब ने मेरे दोस्त ज़रूर हैं किसी ने कोई मैं अपनी तो ही समझता हूँ किसी से दरख्वास्त करूँ कि मुझे टिकट दिया जाए लेकिन मैं ये तो नहीं रखता था कि मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया जाए मैंने अपनी पार्टी को जिंदा रखा हुआ है और मैं किसी से भी बहुत अच्छी पार्टी चला सकता हूँ लेकिन इमरान खान के लिए मैंने एक दो सीटों के लिए इलेक्शन लड़ा और उसने उसके लिए अपने कैंडिडेट दिए उसके ख्याल में शायद ये बेहतर था आने वाले हालात का हर सियासतदान खुद तजिया करता है एक दिन इसी तरह मुशर्रफ़ के सामने हम तीन आदमी बैठे थे तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब आप एक पार्टी के लीडर हैं आप अकेले लीडर हैं एक सीट है आपकी कादरी साहब आप दूसरे लीडर हैं एक सीट है आपकी और आ... एक पार्टी के लीडर शेख रशीद है एक सीट है उसकी जितने लोग बैठे थे वो एक एक सीट का ले थे समेत इमरान ख़ान के और उन्होंने कादरी और इमरान ख़ान को कहा कि मेरी दुआएं भी आप दोनों को जिताने में शामिल थी और अब मैंने ये सोचा नहीं था कि कोई ऐसे हालात होंगे चिल्ला से क्योंकि मैं निकल आया था चिल्ला मेरे पे बहुत भारी था जेल में मैं मज़े में था तो मुझे जीतना हारना मैटर नहीं करता था मैंने वहाँ से बाइज्ज़त निकलना बाइजत निकलना है कि मैं उम्र के इकहत्तर साल बहत्तर साल में किसी के मुंह से ये नहीं सुनना चाहता था कि मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ ये कॉन्फ्रेंस की और वो लिखा हुआ था उसमें जो क्या नाम है जुल्फी बुखारी ने जो ख़रीदो फरोख्त करवाई और वो हाजी जावेद को मैं जानता था लेकिन वहाँ मैंने कहा जी हाजी जावेद को मुझे छोड़े हुए कुछ दस साल आठ साल हो गए हैं ये उसमें कहा कहा गया जी हाजी जावेद आपके पास मैंने कहा भी मैं लाल वली बैठता तो हूँ लोग आते हैं ज़ुल्फी बुखारी से पूछें कि ये चीज़ों के मामला क्या है मैं तो कुरान पे हलफ़ देता हूँ कि मैं बुशरा बेगम को ना कभी मिला ना जानता हूँ और ये सामान की ख़रीदो फरोख्त में मेरा कोई तलक ना मेरा कोई दुबई में जानने वाला था कि ऐसे हालात बनते तो मेन मसला तो यही था उसमें उन्होंने देखा कि ये नहीं मानता चालीस दिन की बजाय मुझे अस्सी दिन रख लेते मैं मर जाता वहाँ पर अच्छा उस चालीस दिन का कोई अहवाल तो बताएँ कि अंदर का मंजरन क्या था आप ये तो बताते हैं बड़ा सख्त चिल्ला था आपका वज़न बिगड़ गया देखो वहाँ कोई कोई ज्यादती नहीं कि उन्होंने तीन मूवी फिल्में लगी होती थी उस कमरे में अच्छा। प्रोजेक्टर की जिसे देख के डर लगता था अच्छा ठीक है वो कहाँ से चलती थी ये नहीं मुझे पता मैं थूक लगा के सुबह देखता था रंग रोगन हुआ होता था, था दीवारों पे सफेद सुबह मैं लमक के ना तो हाथ मारता था कि भाई इस पे फिल्में क्यों आती हैं और उससे मेरी यादाश्त पर बड़ा फर्क पड़ा वो मुसलसल फिल्म चल रही है और आपको दिन रात का कोई मालूम नहीं, नहीं है कि दिन आग और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये नहीं पता था कि वो फ़िल्में कहाँ से आती हैं फिर मैं राग दवाइयाँ मैंने चोरी छुपे नेफे में डाली हुई थी तो, तो आधी गोली गोली दो बाज़ का ज़्यादा रातें जगराता हो जाए तो फिर मैं दो गोलियाँ भी सोने की खा लेता था शेख साहब आपने तो इतनी जेलें काटी गुजरात जेल में रहे आपने नज़रबंदियाँ काटी आमराना दार देखे लेकिन ये इस दौर को का कंपैरिजन किया जाए जो आप ये अहवाल बता रहे हैं जिस तरह आपने कोई कंपैरिजन नहीं है हैब खान ने इस तरह में दरवाजे में दाखिल हुआ उसने कहा ये ये शेख रशीद है टेक हिम आई डोंट तो वांट टू सी हिज ब्लडी फेस और मुझे किले में ले गए लेकिन खुदा को हाजर नाजर जान के कहता हूँ कि किले में भी राइट टाइम पर दो पीस में मक्खन लगा हुआ चाय में नाश्ता मिलता था और साथ एक अंडा भी मिलता था राइट टाइम पे और जब मेरा कोर्ट मार्शल याया ख़ान ने सबसे पहले मेरा कोर्ट मार्शल किया और 10-20 कोड़ों की सज़ाई जहरलाई मरूम और ख्वाजा सफदर और नूर खान ने मेरे जब कोड़े लगने थे मैंने यहाँ टीके लगा लिए थे हुँ. उन्होंने मेरी कोड़ों की माफ़ी दिलाई पूरा एक साल मैं लेफ़्टेंट जनरल शफाक के वालद जेल सुपरटेंडेंट थे मैं स्कूल से वहाँ स्कूल टीचर था पाँचवीं जमात को पढ़ाता था ये तो बड़ा ही लोगों के साथ